बीते दिनी मेहता चौंक नजदीक पैंदे पिंड बद्दोवाल दे गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी विखे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ओंकार फ्री दवाखाना नगर दीआं संगतां ते एनआरआई वीरां दे सहयोग नाल धार्मिक समागम करवाए गए। इस धार्मिक समागम दौरान 6 लोड़वंद जोड़ियां दे समूहिक आनंद कारज करवाए गए। इस धार्मिक समागम विच पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे कथावाचक ते ढाडी जत्थियां ने जिन्हां विच बीबी हरचरण कौर जी कादराबाद वालियां दा कीर्तनी जत्था ज्ञानी सुच्चा सिंह जी कथावाचक दमदमी टकसाल मेहते वाले भाई कुलविंदर सिंह एमए भाई मलकीत सिंह बग्गा वालियां दे ढाडी जत्थियां ने हाजिरी लवाई ते संगतां नूं गुरचरणां नाल जोड़िया। समागम नूं करवाउण विच बाबा जरनैल सिंह जी जैतो सरजा वालियां ने विशेष योगदान पाया। समागम विच आईयां संगतां दा गुरुद्वारा साहिब जी दी प्रबंधक कमेटी दे प्रधान प्रीतम सिंह वैद बाबा गुरमीत सिंह बद्दोवाल साबका सरपंच हरदेव सिंह बद्दोवाल ने धन्नवाद कीता। समागम च पहुंचियां शख्सियतां नूं गुरु घर दी बख्शीश सिरोपाओ दे के सन्मानित कीता गया। समागम विच बाबा पाला जी नौजवान सभा वल्लों लंगर दी ते मीरी पीरी सिंह सभा गुरुआणे दे सेवादारां वल्लों संगतां दीआं जोड़ियां दी सेवा कीती गई। इस समागम नूं करवाउण विच वेद बाबा गुरमैत सिंह बद्दोवाल प्रधान प्रीतम सिंह बद्दोवाल साबका सरपंच हरदेव सिंह बद्दोवाल कैशियर राम तीर्थ सिंह मीत प्रधान दलवीर सिंह सैकटरी सतनाम सिंह अते समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर दा विशेष उपराला रहा। इस समागम विच वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरी भरी। इन्हां जोड़ियां दास बेनती करता
जकारे छे जाते हैं कि मैं वास्ते गुरसिखी के नाम जुड़ूंगा। और जगीर सिंह पत्रकार इन्होंने अगर बहुत रहा इन्होंने जो कुछ हटे ब्याह साथी जो कुछ प्रोग्राम होया हरा टीवी के भी करना वो समझा ने दादा ने कहे जो दूसरी बेनती है कि साजे प्रधान साहब बेनती करते हैं कि साजे जो बाल पतवन बड़े सज्जन आए हैं उन्होंने श्रोते जो बच्चे जो गुरु साहब हैं नमस्कार करके सजन देना होते ने काम किया जी चौन पर देखी न कटे वजीर काम दिए कई ने माया दी माया का दान किया कई ने कपड़े का दान किया बाबा जगनाथ जी ने इन्होंने पत्तियों वास्ते साजो समान का सारा जो बैठ बेटियां बर्तन कुर्सियां वगैरह सारा सारा ग्रंथ साहब जी की गोद विच सच करके बेनती प्यारे साथ संगत आप जी बहुत बधाई के पात्र हो आप जी ने बख्शी करी है कृपा हुई है कि जे इतनी वड्डिया सभावां सतगुरों ने भरिया हैं कि गुरमुख प्यारे मैं जोड़े एक बेनती करना चाहना कि जे नाम के नोड़िया देन तो साडे जिंदगी के सफर के लिए आप सुखाले हो सकते हैं। आप जी जानते थे कि कबीर साहब जी के सोटी कुंडो से लेते हैं उसे तक कम करते सन एक बार उनके सब के रूप में की थरू थरू करता हो कबीर साहब ने मेरे थर गया तो कबीर साहब को कह लगे कि एक कृपा करके मैं बस्तर दे दो मैं ठंड बड़ी लग रही है कबीर साहब दयावान दया के भंडारे एक बस्तर ला के अज सबन बहुत बहुत लख लख बधाई हो गुरु महाराज जी की जीत में नाटकार करते हैं। मैं एक देख रहा कि किन्ने भी बच्चे अगे बैठ रहे हैं अज प्रोमिस वादा करके जाओ केंद्र जोड़िया वालों बेनती है कि उन्होंने कहा कि अं केस कड़ा रखेंगे गुरु कृपा करें घर देखा जाओ जे घर माड़ा है तो गुरु नाल जुड़ो दास में जरूर टैलीफोन करे बाबा सोचा सिंह गल करे उन्होंने घर भी बनाया तो घर घटो घट गुरु के नाल जुड़ी दवास बनाई है तो बहुत बहुत मैं देखना कि इन्नी अज रौनक कितने हैं तुम देखे जो शाम को सारे ने चले जाना ना तो कई का दिल नहीं लगना जो गुरु के बरेली इस तरह अगे तो ही सेवा चलती रहे छह लड़कियां भी होर जिन्या कहे अगे तो भी इस तरह करेगा किया जाया करेगा तो बेनती है कि खास करके क्योंकि बारह जुड़ी च मैं हर एक धी बना के तुलदा तो जो धी के नाल बैठा तो मेरा वो भी लगे लगे बहुत बहुत बधाई।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 45-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੈਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ NIR ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।